जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, गीता जी गंगा जी से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है। वह दूसरों को संसार सागर से तारने में असमर्थ है, किंतु गीता रूपी गंगा में गोता लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तार सकता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, किंतु गीता साक्षात भगवान के मुखारबिंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें जाकर स्नान करता है उसी की मुक्ति करती है, किंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारण बन जाता है। मुक्ति का तो वह सदाव्रत खोल देता है। गीता को स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहा जाए तो भी कोई अतियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। वराह पुराण के अंदर भगवान ने कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम घर है, गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता ज्ञान का सूर्य है, भक्ति रूपी मणि का भंडार है, निष्काम कर्म का अगाध सागर है। गीता में ज्ञान भक्ति और निष्काम भाव तत्व रहस्य जैसा बतलाया गया है वैसा किसी भी ग्रंथ में एकत्र नहीं मिलता। आत्मा के उद्धार के लिए तो गीता सर्वोपरि ग्रंथ है ही, इसके सिवा यह मनुष्यों को सभी प्रकार की उन्नति का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ भी है। जैसे शरीर की उन्नति के लिए गीता में सात्विक भोजन बतलाया गया है, आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। भाव यह है कि इस प्रकार के सात्विक आहार के सेवन से आयु अंतःकरण बल आरोग्य सुख और प्रीति बढ़ती है, किंतु इसके विपरीत शरीर को हानि पहुंचाने वाले राजस तामस भोजन का त्याग करने के लिए निषेध रूप से उनका वर्णन किया गया है। उत्तम आचरणों की शिक्षा के लिए शारीरिक तप बतलाया गया है। देवता ब्राह्मण माता पिता आदि गुरुजनों और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। वाणी को संयत और उन्नत बनाने के लिए वाणी का तप बतलाया गया है गीता जी में। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधित तप कहा जाता है। मन को उन्नत बनाने के लिए मानसिक तप बतलाया गया है। मन की प्रसन्नता शांत भाव भगवत चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। यह मन संबंधी तप कहा जाता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, गीता का अध्ययन करने वाले को चाहिए कि वह उसे बार बार पढ़े, हृदयंगम करें और मन में धारण करें एवं उसके प्रत्येक शब्द का इस प्रकार मनन करें कि वह उसके अंतःकरण में प्रवेश कर जाए। भगवान के शरण होकर इस प्रकार अध्ययन करने से भगवत कृपा से गीता का तत्व रहस्य सहज ही समझ में आ सकता है। फिर उसके विचार और गुण तथा कर्म स्वयमेव गीता के अनुसार ही होने लगते हैं। गीता के अनुसार आचरण हो जाने से मनुष्य के गुण आत्मबल बुद्धि तेज ज्ञान आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है तथा वह परम पद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदेव।